सब्सक्राइब कीजिए पिजन मस्ती चैनल को और पास में बने बेल आइकन को दबाएं जिससे कि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पिजन मस्ती पे। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक मेडिसिन बताने वाला हूँ। अगर आपके कबूतरों को खांसी सर्दी हो गई है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया मेडिसिन है। गाइस, एक हमारे भाई ने पूछा था कि भाई कबूतर को सर्दी हो गई है, और एक भाई ने पूछा था कि भाई खांस, मेरे कबूतर खांस रहे हैं, कुछ इलाज बताओ। तो भाई, आज की वीडियो में मैं आपको बहुत बढ़िया दवा बताने वाला हूं जो कोई भी स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और गाइस, आपको छत पे बहुत कम कबूतर दिख रहे होंगे क्योंकि कुछ कबूतर अंदर है और कुछ बाहर हैं, और 5-6 कबूतर उड़ गए हैं, ठीक है, और काफ़ी ऊपर चले गए हैं। इसलिए मैं सोचा बता देता हूँ, वो लोग तो आ जाएंगे, शाम का समय है, अब देखो क्या होता है, ठीक है। तो गाइस, उस मेडिसिन का नाम है टोरेक्स। अगर आप किसी भी मेडिकल स्टोर दवाई की दुकान पे जाके बोलोगे भाई टोरेक्स की सिरप दे दो तो दे देगा, 90 रुपये की आती है। कहीं और अगर ज़्यादा से ज़्यादा भाव होगा तो भाई 100 रुपये के अंदर में ही आएगी, यहाँ पर 90 रुपये का भाव है। मैं मेडिकल पे जाके पता भी किया, मेरे पास इस समय नहीं है, लेकिन गाइस मेरे को पता है वो काफ़ी बढ़िया मेडिसिन है अगर कबूतरों को खांसी और सर्दी में इस्तेमाल करने लायक। और उसको देना कैसे है पहले ध्यान से सुन लेना भाई, काफ़ी लोग यही गलती कर देते हैं, उन्हें पता नहीं होता कि देना कैसे होता है, और वो लोग कुछ भी दे देते हैं तो उसके वजह से शायद और ज़्यादा कबूतर को कुछ हो जाए, तो फिर मत बोलना। इसलिए पहले ध्यान से सुनो देना कैसे। पहले आपको समझ लो, एक गिलास पानी छोटी वाली गिलास से गुनगुना कर लेना, उतना पानी की ज़रूरत नहीं है, बस 5 ml पानी की ज़रूरत है, ठीक है। 5 ml आपको देना पड़ेगा भाई सिरिंज से, जो सुई आती है, इंजेक्शन आती है ना, आपको पता होगा, जिससे हम जो छोटे बच्चे होते हैं, बेबी पिजन होते हैं, उनको फीड कराते हैं, उससे देना भाई आपको। आपको 5 ml गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर उस सिरप के 4 से 5 बूंद, बस 4 से 5 बूंद, ढक्कन मत डालना भाई, 4 से 5 बूंद डाल देना है, और उस पानी को सुबह शाम कबूतर को 2-3 दिन देना है। कबूतर की भाई सर्दी खांसी गारंटी के साथ सही हो जाएगी, काफ़ी जल्दी इसका असर देखने को मिल जाता है, इसलिए मैंने सोचा बता दूँ। फिर से बताता हूँ भाई, गुनगुना पानी कर लेना है 5 ml, और उस सिरप को उसमें डालना है, सिरप का बस 5 बूंद 5 ml पानी में मिला के कबूतर को सुबह शाम दोनों टाइम देना है, इतना इतना, ठीक है, 5-5 ml, आपके कबूतर एकदम सही फिट हो जाएंगे। गाइस, अभी आपको वो दवाई भी दिखाता हूँ, ये देखो गाइस, यही है टोरेक्स का, ठीक है, यही आपको मेडिकल स्टोर से ले लेना है। मैं मेडिकल स्टोर पे ही हूँ इस समय पे, देख लो ध्यान से, टोरेक्स अलविदा खांसी, ठीक है, यही आपको लेना है, और सबसे पहले गुनगुना पानी कर लेना है, और इस सिरप को उसमें 5 बूंद मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपको सिरिंज लेना है, जो इंजेक्शन आती है भाई, वो किसी का ऐसा मत ले लेना जो यूज़ किया हुआ हो, ठीक है। अगर आपके पास पहले से ही होगी कि हाँ भाई, आप सब कबूतर वाले रखे रहते हैं, जो बेबी पिजन होते हैं, घर के पट्टे होते हैं, अगर उनके माँ बाप खिलाना छोड़ देते हैं, चाहे कोई और कबूतर बीमार पड़ जाता है, तो उससे उसको खिलाने के लिए, तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मेडिकल स्टोर से वह भी ले लेना, 20-25 रुपये की आती है, बोलोगे भाई सिरिंज दे दो तो दे देगा, और जो ऊपर की निडल आती है ना, आप निकाल के उसको फेंक देना, वो अपने कोई काम की नहीं है, अपने काम का भाई बस वही है पिचकारी जैसा, ठीक ना। बस उससे क्या करना है आपको, 5 ml गुनगुना पानी में 5 बूंद उस सिरप का, 4 से 5 बूंद, इससे ज़्यादा मत देना, उसको अच्छे से मिक्स कर लेना और सिरिंज में भर लेना। उसके बाद गाइस, कबूतर को मुंह खोलना और पिला देना, अगर 2 जन रहोगे तो ज़्यादा। गाइस, इस मेडिसिन को इसी तरीके से सुबह शाम 3 से 4 दिन देना है, मैक्सिमम भाई 4 दिन में तो गारंटी के साथ सही हो जाएगा, अगर 3 दिन में सही हो जाता है तो उसके बाद देना बंद कर देना, ठीक है। गाइस, आपने दवाई देख लिया, वही मेडिसिन है भाई, सिरप है वो, हम लोग को भी अगर खांसी सर्दी हो जाती है तो वो सिरप काम करती है, वो इंसानों के लिए है, लेकिन वो कबूतरों पे भी कोई ज़्यादा
वो नहीं होता, आराम से कबूतर भी ठीक हो जाता है। तो मैंने सोचा बता दूँ आपको, और ये इजीली स्टोर पे भी मिल जाएगा कोई भी मेडिकल पे, तो आप जाके ले सकते हो। तो गाइस जैसे मैंने बोला है वैसे ही वो करना, ध्यान से पहले समझ लेना, अगर ना समझ आया हो तो दोबारा वीडियो देख लेना कैसे देना है, मेनली लोग यही गलती कर देते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपके पास कोई और भी उपाय है तो ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में, जिससे कि जिन लोगों को नहीं पता है उनको भी पता चल जाए भाई, उनका भी भला हो जाए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से कोई और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।